दिल्ली एनसीआर में बुधवार की शाम तेज हवा चलने, हल्की बारिश और ओले गिरने से मौसम सुहाना हो गया। इसी के साथ गर्मी से भी लोगों को बड़ी राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक गुरुवार को भी यानी आज भी मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में हल्के से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार से तापमान बढ़ना फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन सोमवार तक लू के प्रकोप से राहत बनी रहेगी। मंगलवार से एक बार फिर लू का दौर शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा 28.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 37 से 64% तक रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में हल्के से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में मौसम साफ रहेगा और गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और गुरुग्राम में भी मौसम साफ ही रहने का अनुमान जताया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 173 दर्ज हुआ है और मध्यम श्रेणी में रहा। वहीं नोएडा का AQI 180 जबकि गुरुग्राम का AQI 179 रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।